अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हम लोगों की वीडियो है उसमें हम लोग पाकिस्तान नेवी के कमीशंस को स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम लोगों का पहला जो है पीएन कैडेट है, क्योंकि एफएससी बेस पे जो है जो 12 साल की एजुकेशन की बेस पे सिर्फ एक ही कोर्स पाकिस्तान नेवी अनाउंस करता है, पीएन कैडेट। तो यहाँ ना बहुत सी क्वेश्चन होते हैं, बच्चे लड़के कंफ्यूज होते हैं पीएन कैडेट का जब कोर्स अनाउंस होता है, तो वो समझते हैं कि भाई उन्होंने एफए किया होता है या आईसीएस किया होता है, इसी तरह सब्जेक्ट रखे होते हैं और वो समझते हैं कि हम लोग एलिजिबल हैं। तो पहली बात ये कि इसमें जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई है ना अपनी एफएससी में या जो भी है उनका ओए लेवल्स, उसमें उन्होंने अगर मैथ्स पढ़ी हुई है ना तो वो एलिजिबल हैं। सेकंड मोस्टली कन्फ्यूजन डिप्लोमा वालों को होती है कि हम लोग एलिजिबल हैं क्योंकि हम लोगों की एफएससी के इक्विवेलेंट है, तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी पीएन कैडेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा वाले ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में डिप्लोमा के बाद अप्लाई नहीं कर सकते कमीशन के लिए, सिर्फ एफएससी या सिर्फ वो डिप्लोमा वाले पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और किसी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात ये कि डिप्लोमा वालों के लिए स्पेशल जो है सेलर्स लेवल पे नॉन कमीशन, मतलब ऑफिसर्स नहीं होते, नॉन कमीशन लेवल पे जो उनकी अलहदा सेपरेटली सीट्स आती हैं तो उसमें वो एलिजिबल हैं, पीएन कैडेट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो अब कोर्स की बात कर लें तो पीएन कैडेट जो है वो साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। फर्स्ट वन जो होता है वो अप्रैल या मई में अनाउंस हो जाता है और दूसरा जो कोर्स होता है अनाउंस होता है वो नवंबर में होता है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में जो ज्वाइनिंग होती है वो साल में 2 दफ़ा कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। पहला तो जो ज्वाइनिंग होती है वो जून जुलाई में जो होती है हो जाती है, जो नवंबर में अप्लाई करते हैं उनकी जून जुलाई में ज्वाइनिंग होती है। सिमिलरली जो अप्रैल मई में अप्लाई करते हैं उनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो दिसंबर या जनवरी में हो जाती है। कोर्स में किसी भी वजह से जो है डिले शिले आ सकता है, जो भी सिचुएशन करंट के सिचुएशन बने उस हिसाब से आगे पीछे कोर्स की मतलब ना रिक्वायरमेंट्स या लेट होना है कब आना है इसमें डिले हो सकता है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। तो जिन लड़कों ने ऑफिसर्स के तौर पर एफएससी के बाद नेवी में अप्लाई करना है तो उनकी रिक्वायरमेंट और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अब एलिजिबिलिटी देख लें तो अनमैरिड मेल सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, गैर शादी शुदा अफराद, सिविलियन कैंडिडेट्स जो हैं वो 16.5 से लेके 21 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद अगर सर्विस कैंडिडेट्स की बात कर लें तो उनके लिए 17 से 23 साल एज लिमिट है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स कोई भी यूनिफॉर्म पर्सन है तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि एलिजिबिलिटी जो है इनमें गैर शादी शुदा अप्लाई कर सकते हैं, सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए 16 से 21 साल उम्र है और जो सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 17 से 23 साल उम्र है। हाइट 5'4" रिक्वायरमेंट पे है, मतलब 164 या 4 सेंटीमीटर या हाइट 5'4" है तो 164 सेंटीमीटर या 163 सेंटीमीटर वाले एलिजिबल हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच अ कैंडिडेट ज्वाइन द ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट और स्पेसिफिक डेट प्रोमलगेटेड बाय NHQ, मतलब कि आपकी जो क्या कहते हैं एज है, आपकी एज और या और हाइट हो सकता है आप लोगों की 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर कम हो, तो ये चीज़ याद रखें कि आपकी हाइट या एज जो है जिस दिन आपने ज्वाइनिंग देनी है आपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट पे उस दिन तक या जो डेट एड पे NHQ की तरफ से आप लोगों को लिए मेंशन है कि इस डेट तक आप लोगों की एज 21 साल या 23 साल होनी चाहिए, उस डेट तक अगर आप लोगों की एज 21 साल है या 23 साल है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग ओवर एज है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ जो है मैं समझाना चाहता हूँ कि एज कहाँ से कहाँ तक देखनी चाहिए, कहाँ हर एयरफोर्स नेवी सारों में इसी तरह ही एज देखती है। उसके बाद आ जाएं क्वालिफिकेशन पे, तो 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट है इन सब्जेक्ट में, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री अगर आपने रखी है, अगर आपने फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री मतलब आपको समझ लग गई होगी कि फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री के मतलब एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बात हो रही है, फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस का मतलब आपकी आईसीएस की बात हो रही है। फिजिक्स मैथ्स एंड स्टैट्स भी मेरे ख्याल आईसीएस या आईकॉम इसी तरह कोई सब्जेक्ट है तो उसकी रिक्वायरमेंट में है। ये तो हो गया जो जिन्होंने हम लोग करते हैं एचएसएससी लेवल पे जो सब्जेक्ट्स अनाउंस होते हैं। अब ए लेवल के लिए जो है वो भी यही सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक, अगर इनके जो है 60% मार्क्स हैं ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ सर्टिफिकेट में इनकी जो एग्रीगेट होता है ना कितना इनका एग्रीगेट बन रहा है तो उसमें 60% मार्क्स ओवरऑल हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखें क्वालिफिकेशन,
पाकिस्तान नेवी में जो है आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आईसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, और जो है लास्ट वन जिनका कम्बिनेशन जो है फिजिक्स मैथ्स एंड स्टैट्स हो तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए पीएन कैडेट के लिए, ठीक है। और अब जो ए लेवल्स के लिए भी यही कम्बिनेशन है आप लोगों के सामने जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या यही अगर इनका ये कम्बिनेशन है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इन्हें ये अप्लाई नहीं कर सकते। बायो वाले तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, एफए वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ठीक, ये पॉइंट कवर हो गया अब आप लोगों का। अब यहाँ होप सर्टिफिकेट की बात कर लीजिए, ठीक है। अब होप सर्टिफिकेट में मैंने आप लोगों को यहाँ ना ज्वाइनिंग मंथ्स बताए कि इनकी ज्वाइनिंग जो पहले वाला कोर्स है उसकी ज्वाइनिंग जो है हम लोगों की जून जुलाई में होती है, और दूसरे वाले की दिसंबर जनवरी में। अब आप खुद ही देखिए दिसंबर जनवरी में अगर आप लोगों का तो रिजल्ट आया ही नहीं होगा ना, अगर आप लोग नवंबर वाले कोर्स में मई जून वाले कोर्स में अप्लाई करें तो दिसंबर जनवरी में ज्वाइनिंग है तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा, ठीक है। और अगर आप नवंबर में अप्लाई करें तो आप लोगों ने जून जुलाई में जाना है, ठीक है, तब जून जुलाई में जब ज्वाइनिंग है तो आप लोगों का रिजल्ट तो आ ही नहीं सका होगा। तो इसी तरह जो कोर्स अप्रैल मई में अनाउंस होता है उसमें जो है कैंडिडेट्स होप सर्टिफिकेट के साथ एलिजिबल हैं, जबकि दूसरे कोर्स में होप सर्टिफिकेट यूज़ वो कर सकते हैं जिनका रिजल्ट उनकी ज्वाइनिंग डेट से पहले आ जाए, ठीक है, क्योंकि पीएन कैडेट के दोनों कोर्सेज में होप सर्टिफिकेट का पॉइंट मेंशन होता है। लेकिन आप लोगों के लिए लाजमी है देख लें कि अगर आपका रिजल्ट जो है ज्वाइनिंग से पहले आ रहा है तभी आप अप्लाई करें, अगर लेट आ रहा है तो फिर आपको अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं, आप लोग तो रिकमेंड भी हो गए तो आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलनी, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम लोग स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले तो कोर्स एडवर्टाइज होगा न्यूज़पेपर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल में दो बार अनाउंस होता है। फर्स्ट जो पीएन कैडेट को टर्म ए कहते हैं और दूसरे को पीएन टर्म बी कहते हैं, जो भी कह लें 2021, 2022, 2021, 2022 इस तरह सेम जो भी आपने हिसाब लगाना है ऐड पे आपको नज़र आ जाएगा। जो फर्स्ट पीएन कैडेट होता है वो नवंबर में अनाउंस होता है, अक्टूबर नवंबर इसमें इन्हीं दो मंथ्स में अनाउंस हो जाते हैं। जो सेकेंड होते हैं पीएन कैडेट की टर्म वो अनाउंस होती है अप्रैल मई या जून में, समटाइम्स अगर लेट होना चाहे तो इन तीन मंथ्स में अनाउंस होती है। तो इन तीन मंथ्स में आप लोगों ने जो है वेबसाइट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट को फॉलो अप करना है ताकि आप लोगों को मिस ना हो जाए चांस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इनकी भी 7-8 दिन के लिए ही होती है, ज़्यादा लंबी जल्दी जो है रजिस्ट्रेशन है वो नहीं चलती पाकिस्तान पी एन कैडेट वालों की। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपने ज्वाइन पाकिस्तान नेवी डॉट गवर्नमेंट डॉट पी के पे आपने अपनी करनी है, फिर उसके बाद आपने वहाँ फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके वहाँ सबमिट करवाना है। 3 से 4 दिन तक आपको जो है 72 घंटे आपकी स्लिप पे भी लिखा होगा डेट्स इशू हो जाएंगी, डेट्स लेट भी इशू हो सकती हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको मैसेज भी आ सकता है, मैसेज करके भी इन्फॉर्म करेंगे कि आपका इस दिन टेस्ट है तो आप लोगों ने अपनी चीज़ें लेके आनी है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें मालूम जो है वो सही इनपुट करें ताकि आप लोगों को अगर उन्होंने अपने नंबर दिया है कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो उसी पर ही मैसेज आए तो ताकि आपको कोई इशू ना हो। आगे आपको अब अपना टेस्ट सेंटर और रिपोर्ट जब जहाँ रिपोर्ट करना है जब आपकी स्लिप पे मेंशन होगा तो आपने जो खुद ही सिलेक्ट किया होगा सेंटर तो आपको पता होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों ने ओरिजिनल लेके जाने, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप एफएससी बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मार्कशीट, रिजल्ट कार्ड एफएससी मैट्रिक और रिजल्ट कार्ड उसके बाद सनद जो है एफएससी सेकंड वन, फर्स्ट वन जो है आपके पास रिजल्ट कार्ड मैट्रिक और एफएससी, सेकंड वन अगर आपका जो सनद है मैट्रिक और एफएससी, ठीक है। कुछ लड़कों की मेरे ख्याल से सनद नहीं आई होती तो उस हिसाब से जो है आप लोग ना सनद जो है वो ना लेके जाएं, ज़रूरत नहीं होती। अगर आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करें तो होप सर्टिफिकेट लाजमी लेके जाएं, अपना जो आईडी कार्ड लाजमी लेके जाएं, ये यही 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है इनिशियल के लिए अपीयर होने के लिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो आप लोगों को अपने क्या कहते हैं उसके एजाइसिस भी फॉर्म के साथ ज़रूरत होती है, इनिशियल के वक्त ज़रूरत नहीं होती। अभी एक पॉइंट कवर कर लूँ कि अगर हमारे पास सनद नहीं है, ठीक है, अब सनद मैक्सिमम 3 से 4 साल के अरसे के बाद आप लोगों के मिल जाती होती है,
तो आप लोग ये देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2018 या 19 में जो है अपना एफएससी कंप्लीट किया है तो ऑब्वियसली उसके पास सनद नहीं होनी, क्योंकि अभी उस तक उनकी सनद जो है वो बोर्ड वाले मतलब प्रोसेस नहीं कर रहे होंगे, या अगर कर भी रहे होंगे तो इन प्रोसेसिंग होगी उनकी सनद। तो अगर आप लोगों ने 2016-17 में अगर आपने अपना किया हुआ है एफएससी की है तो आपके लिए सनद लाजमी है, मतलब कि आपके जो रिजल्ट से 3 से 4 साल के बाद जो है मैक्सिमम 5 साल के बाद सनद आप लोगों के जनरेट हो जाती हैं। आप लोग अगर चाहें तो अर्जेंट निकलवा सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आपके जो कॉलेज है वहीं वो सनद भेज दी जाती है और आप अपने कॉलेज से जाके कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सनद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट रखा करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बगैर टेस्ट होता भी नहीं। अब आपके ई टेस्ट की बारी आ गई, आपको सारी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको वो टेस्टिंग हॉल भेज देंगे जहां आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट जो है इसमें दो पोर्शन होंगे, पहला इंटेलिजेंस का होगा, 75 इंटेलिजेंस क्वेश्चन होंगे 30 मिनट्स, फिर एकेडमिक का आएगा, 100 एकेडमिक होंगे 30 मिनट्स। डिस्ट्रीब्यूशन एकेडमिक की 25 25 25 और 25 होगी, जिसमें फिजिक्स इंग्लिश मैथ्स और जनरल नॉलेज कवर होगा, ठीक है। 25 25 क्वेश्चन होंगे, ये कलेक्टिवली आएगा, लेकिन 25 फिजिक्स के क्वेश्चन के बाद 25 इंग्लिश के आएंगे, 25 इंग्लिश के बाद 25 मैथ के आएंगे, इस तरह चलेगा, ठीक है। इससे सेपरेटली एक वीडियो जो है इंटेलिजेंस की वो बनी हुई है, काइंडली आप वो लाजमी देख लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान नेवी में इंटेलिजेंस की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों वर्बल नॉन वर्बल की, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब जिन लड़कों ने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया होगा तो उनको लिखा हुआ आ जाएगा कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर फर्दर फॉर्मेलिटीज, ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी मैक्सिमम ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन, नॉर्मली नॉर्मल वर्किंग डेज में लग जाते हैं। उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मैसेज कर देते हैं कि फिजिकल आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो आप लोग अपने जो है ना तैयारी शैयारी करके आएँ और आप अपने फिजिकल वाले जो है ड्रेस करके आएँ। फिजिकल के बाद जो फिजिकल क्लियर करेंगे उनका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा उस दिन, समटाइम नेक्स्ट डे हो जाता है, समटाइम उस दिन होता है। फिर इनिशियल इंटरव्यू भी सेम है, कभी कभी फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल लेके इंटरव्यू ले लेते हैं, और कभी कभी जो है फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट से नेक्स्ट डे जो होता है आप लोगों को इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपका सब कुछ एक दिन हो या सब कुछ अगले दिन हो, किसी कभी भी जब भी उनको रिक्वायरमेंट डेट जो है अपने हिसाब से वो सेट कर लेते होते हैं। आपका अगर फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट एक दिन हुआ है तो नेक्स्ट डे ऑब्वियसली इनिशियल इंटरव्यू ले लेंगे। समटाइम्स अगर वो बैचेस की शक्ल में इनिशियल इंटरव्यू के लिए किसी ऑफिसर ने आना हो तो फिर उस बैचेस के हिसाब से वो आपको डेट मिल जाती है। अब फिजिकल टेस्ट क्या होता है पाकिस्तान नेवी में, तो पाकिस्तान नेवी में फिजिकल टेस्ट में एक तो 1 माइल होता है, 8.5 मिनट में आपको करना होता है, ठीक है। सेकंड जो होती है वो पुशअप्स होती हैं, 10 पुशअप करने होते हैं 2 मिनट में। फिर सिटअप्स होते हैं, 10 सिटअप्स करने होते हैं रेपिटेशन में 2 मिनट में। फिर लास्ट में चिनअप्स होते हैं, 2 चिनअप्स होते हैं, 2 मिनट में करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इनिशियल फिजिकल टेस्ट हो गया, अब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में आपका पूरी बॉडी को देखेंगे, INT, आई साइट, कैरिंग एंगल, नॉकनी, चेस्ट, सर्जिकल, जो भी आपके इश्यूज होंगे, जो क्योरेबल होंगे या जो भी उन पर डाउट होगा वो आपको रेफ़र कर देंगे मिलिट्री हॉस्पिटल्स। तो वहाँ आपका जो है रेफ़र फॉर्म आपको लेके जाना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से फिटनेस लेनी होगी, फिटनेस के बाद वो रेफ़र फॉर्म आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सेंटर सबमिट करवाना होगा। सेंटर सबमिट करवाने के बाद ही आपका जो है फर्दर आगे प्रोसेस वो चलाएंगे। उसके बाद जिनको वेट का इशू होता है तो वेट पे तो वो टाइम मिल जाता है, 1 हफ्ते का वो मैक्सिमम टाइम दे देते हैं। इसी तरह अंडर चेस्ट तो बहुत कम होते हैं नेवी में, और बाकी कैरिंग एंगल वगैरह तो मोस्टली जो है रेफ़र फॉर्म के बाद रेफ़र जिसको करते हैं तो वो फिट हो जाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद स्टेप 8 में जिनका मेडिकल क्लियर होगा उनको इनिशियल इंटरव्यू का मैसेज करेंगे कि आपका इनिशियल इंटरव्यू है, और आपका इनिशियल इंटरव्यू जो होगा बेसिक इंटरव्यू होगा, इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इस पर मैं एक सेपरेटली इनिशियल इंटरव्यू में भी बनाऊंगा कि इनिशियल इंटरव्यू हम लोग देने जा रहे हैं तो क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, इसकी बेसिक जो है आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आप लोगों को ISSB फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको 2 से 4 दिन में सबमिट करवाने होंगे। उसके बाद आप लोगों को वेट करना होगा 40 से 60, कभी कभी 3-4 महीनों का भी वेट करना पड़ जाता है ISSB के लिए, डिपेंड ऑन सिचुएशन, कब आपकी जो है स्केड्यूल के मुताबिक वो ISSB रखते हैं। फिर आपकी ISSB होगी 4 दिन की ISSB। ISSB के बारे में जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे बेसिक्स तो पता होंगी, अगर नहीं पता तो फेसबुक का जो
ISS में मटेरियल पेज है वो विजिट कर लें, आपको सब कुछ समझ लग जाएगी। आगे वीडियोस जो है आगे बनाएंगे मज़ीद इस पर भी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों को जो है कोर्सेज आउटलाइन जो है वही हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद जो ISSB से रिकमेंड होंगे उनका मिलिट्री हॉस्पिटल्स में फाइनल मेडिकल कंडक्ट होगा, 5 से 6 दिन का ये होगा, ठीक है। मेडिकल समटाइम्स इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप लोगों को रेफर कर दिया तो इसमें इश्यूज़ ज़्यादा हो जाए तो फिर लंबा हो सकता है। फिर उसके बाद NHQ आप लोगों की मेरिट लिस्ट कंपाइल करेगा आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। सिलेक्टेड बॉयज पाकिस्तान नेवल एकेडमी को 2 साल मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स के लिए ज्वाइन करते हैं, 1.5 या 2 ईयर्स जितने के लिए नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद उनका जो अपना फील्ड रिलेटेड जो है जिस सब्जेक्ट में उनकी मतलब भेजना होता है अपने मुख्तलिफ होते हैं लॉजिस्टिक ब्रांच और उनकी फर्दर ब्रांचेस की क्लासिफिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये था हम लोगों का PN कैंडिडेट का सारा प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी जो आप लोगों को समझ ना आई हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल रिप्लाई। फर्दर आप लोगों के जो भी कोई भी मैंने पिछली 2 वीडियोज़ जो बनाई थी वो फेसबुक से सही नहीं थोड़ी बनी, क्योंकि बहुत से बच्चों को कह रहे थे कि हम लोगों को क्लियर नहीं था, तो इस वजह से दोबारा से हम इसी तरह आ गए स्लाइड्स की शक्ल में ताकि आप लोगों को स्लाइड्स रीड करने में भी आसानी हो। फर्दर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।